दुनिया में छिड़े दो बड़े युद्धों में दोनों में ही किसी न किसी देश को अमेरिका समर्थन दे रहा है। उसके समर्थन के रूप में अमेरिका इन देशों को बड़े पैमाने पर सैन्य हथियार दे रहा है और अन्य तरह की वित्तीय मदद भी कर रहा है। हालांकि अमेरिका सिर्फ मदद ही कर रहा है, इसके अलावा वो युद्ध में कुछ खास कर नहीं पा रहा है या फिर किसी रणनीति के तहत वो किसी फैसले की तरफ नहीं जा रहा है। दरअसल एक तरफ अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समर्थन दे रहा है और दूसरी तरफ इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में वो इजराइल के साथ खड़ा है। इनको समर्थन देने के चक्कर में अब अमेरिका की हालत खराब हो रही है। दूसरों की मदद करने से अमेरिका को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, इसके साथ ही उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर हुई है। इसके बाद भी नतीजा ये है कि इजराइल जैसे देश अमेरिका को ही पलट कर जवाब दे रहे हैं। हालांकि अब अमेरिका अपने बिगड़े बजट और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को दुरुस्त करने की दिशा में काम करने की तैयारी में है। दरअसल एक बात जो सामने निकल कर आई है कि अमेरिका का $886 बिलियन का रक्षा बजट भी यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संकट को संभाल पाने में विफल रहा है। इन क्षेत्रों में युद्ध और तनाव रुकने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि अमेरिका सिर्फ रूसी ही नहीं बल्कि ईरानी मिसाइलों से भी अपना बचाव करने में कमजोर हो गया है। अब इसको लेकर पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मीटिंग और चर्चाओं का दौर शुरू है। सीनेट की सशस्त्र सेवा उपसमिति के अध्यक्ष एंगस किंग ने रक्षा विभाग के अधिकारियों को ये बताने के लिए मजबूर किया कि वो अमेरिका की हकीकत बताएं कि क्या अमेरिका विरोधियों का मुकाबला करने में सक्षम है या असहाय है। उन्होंने अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा के उप रक्षा सचिव जॉन हिल से पूछा कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाव के लिए या उसका जवाब देने के उपाय है या नहीं। इसके जवाब में हिल ने कहा कि हमारे पास बचाव के लिए कुछ सिस्टम है, लेकिन हमें और अधिक की जरूरत है। इस पर किंग ने कहा कि यानी हमारी हाइपरसोनिक सुरक्षा पर्याप्त नहीं है और हमें और अधिक सुरक्षा की जरूरत है। किंग ने 14 अप्रैल को इजराइल पर हुए ईरानी हमले का जिक्र किया, जिसमें इजराइल पर ईरान ने 300 मिसाइलें, ड्रोन और यूवी से हमले किए थे। इस पर किंग ने कहा कि अगर ऐसा हमला हो जाए तो क्या हम दुश्मन की 99% मिसाइलों को मार गिरा सकते हैं। इस पर किसी भी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। जवाब न मिलने पर इस स्थिति को किंग ने चिंता का विषय बताया। अमेरिकी उत्तरी कमान और उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड के कमांडर वायुसेना जनरल ग्रेगरी गुइलोट ने कहा कि इस समय हमारे पास जितनी भी सैन्य क्षमता है वो इस क्षेत्र में ईरानियों द्वारा फुल वॉल्यूम में किए जाने वाले हमले का सामना करने तक के लिए पर्याप्त नहीं है। इस दौरान रूस, चीन और उत्तर कोरिया से भी अमेरिकी खतरों पर विचार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग से ये निकल कर आया कि अमेरिकी अधिकारियों ने खुद इस बात को माना कि उनके पास बहुत अधिक मिसाइल डिफेंस नहीं है, चाहे वो हाइपरसोनिक हो, ड्रोन हो या फिर अन्य सैन्य हथियार।